गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीलम कुमारी, राजेश कुमार, ऋषभ यादव, सरकार विश्वकर्मा, कालीचरण वर्मा, अंचल यादव, ठाकुर प्रदीप परिहार, सोनू यादव, कुमार संदीप, छोटी कुमारी, कोमल कुमारी, साक्षी। आज हम लोग करवाएंगे ICR 2010 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 2011 वाला, ठीक है। सर, ICR का मतलब क्या होता है? अच्छा चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 2010 के पेपर में पूछा गए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, जो धान है ओराइजा सटाइवा, उसमें बताना है क्रोमोसोम नंबर क्या है, जिसे हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र संख्या, ठीक है। तो ये सभी को मालूम है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कितने हैं? 24, 24। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 24, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था ये। इसकी देखो फैमिली भी कई बार पूछी गई है, ओराइजा सटाइवा की फैमिली क्या है, और भी इससे क्वेश्चन जनरल जो बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे सीड रेट वगैरह है, डेपोक मेथड से कितना देना पड़ता है, SRI मेथड से, ठीक है। इसको भी एक बार देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लियोट्रॉफी कंडीशन क्या है, जिसे बहु प्रभावित कहते हैं,
बहुप्रभावित स्थिति क्या है, ठीक है, जिसके द्वारा, देखिए पहला ऑप्शन जो है आपका, अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मेनी ट्रेट्स, ठीक, एक सिंगल जीन कई गुणों को प्रभावित करता है, उसको प्लियोट्रॉपिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कई जीन एक गुण को प्रभावित करते हैं, क्या ये सही है? नेक्स्ट है, दो जीन एक गुण को प्रभावित करते हैं या एक एक सिंगल जीन एक ही गुण को प्रभावित करता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ठीक है, सोनू यादव डिलीट कर दिया भाई, तो इसका पहला ही सही है, अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मेनी ट्रेट्स, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, एक सिंगल जीन एक जीन कई गुणों को प्रभावित करता है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? प्लियोट्रॉफी या बहुप्रभाविता, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पहला। चलिए अगला देखते हैं, इसका क्वेश्चन, सिमिट, ठीक है, ये सभी को पता है सिमिट कहाँ पे है, ठीक है, सिमिट कहाँ है? मैक्सिको। ये किस पे काम करता है? वीट एंड मेज, वीट एंड मेज, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, वीट एंड मेज पे काम करता है ये, समिट कहाँ पे है? मैक्सिको, ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो है आप लोग सर्च कर लेंगे। नेक्स्ट है, मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो है आणविक गुणसूत्र क्या है? C6H12O6, ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। क्या ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ठीक है, चलिए लाइफोलाइजेशन, लाइफोलाइजेशन इज अ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड टू, यानी कि जो लाइफोलाइजेशन मेथड है वो किसकी महत्वपूर्ण विधि है? तो पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया को चयन करने के, यानी सिलेक्ट बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया को किल करने के लिए, या बैक्टीरिया ग्रो बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का सृजन करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, या आपका फोर्थ ऑप्शन है स्टोर्ड बैक्टीरिया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? चौथा, स्टोर्ड बैक्टीरिया। ये मेथड जो है वो किसके लिए यूज करते हैं? बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया का भंडारण करने के लिए या बैक्टीरिया के स्टोर के लिए, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ। चलिए अगला देखते हैं, विच हार्मोन्स कॉजेज मिल्क इंजेक्शन, इजेक्शन, कौन सा हार्मोन जो है दूध निकालने का कार्य करता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है एस्ट्रोजन, नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन, और थर्ड ऑप्शन है थायरोक्सिन, और पैरो पैरोथो हार्मोन, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में दूध उत्पादन में किस पशु का योगदान सर्वाधिक है? जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन है भारत में, उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, ठीक है, भारत में पूछा गया है, ठीक, इसका आंसर क्या होगा? बफेलो, ठीक है, तो जितना भारत में मिल्क प्रोडक्शन होता है उसका 35% जो है वो कंट्रीब्यूशन किसका है? बुफेलो का, अगर हम भारत में बात करें, ठीक है, अगर हम वर्ल्ड में देखें, विश्व में देखें, तो विश्व में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है काऊ का, किसका? काऊ का, ठीक है, वर्ल्ड में काऊ का है, जो कि 81% है लगभग, फिर इसके बाद आ जाता है आपका बुफेलो का, वर्ल्ड में बुफेलो का, देन गोट का, फिर सीप का, ठीक है, तो गोट और सीप का लगभग 3% है, उसमें गोट का 2% है और सीप का कितना है? 1%, ठीक, अगर आपसे इंडिया में पूछा गया है तो आप क्या लगाएंगे? बफेलो का, ठीक है, तो इसमें 35% जो है वो किसका कंट्रीब्यूशन है? बफेलो का ओनली। चलिए
अगला है, विच रिवर्स इज अ रिचेस्ट फ्रेश वाटर फिशेस सोर्स इन इंडिया। भारत में कौन सी नदी ताजे जल की मछलियों के लिए सर्वोत्तम स्रोत है? इसका आंसर बताइए भाई फटाफट। क्या होगा इसका? गंगा थर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। चलिए अगला है, फुट एंड माउथ डिजीज। ये कई बार डिस्कस किया है, FMD जैसे शॉर्ट में कहते हैं, FMD, फुट एंड माउथ डिजीज। तो इसमें बताना है रोग का कारण क्या है, वायरस के द्वारा होता है, या बैक्टीरिया के द्वारा, या एल्गी या फंजाई के द्वारा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? वायरस के कारण होता है FMD रोग, फुट एंड माउथ डिजीज, जिसे हिंदी में बोलते हैं मुंह पका एंड खुर पका। ठीक है, तो ये वायरस के द्वारा होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? पहला। इसमें बताना है पशुओं में दुधारू नस्ल कौन से, मिल्च कैटल। तो पहला ऑप्शन है राठी, हरियाणा, थारपारकर और अंगोल। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर क्या होगा? राठी। राठी क्या है? मिल्च कैटल है, मिल्च कैटल या दुधारू नस्ल जिसे कहते हैं। बाकी थारपारकर, हरियाणा और अंगोल, ये क्या है? डुअल पर्पस के लिए, डुअल पर्पस। ठीक है, डुअल पर्पस का मतलब है, डुअल पर्पस का मतलब है ये दूध भी देती हैं और इनका अन्य कार्य के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, डुअल पर्पस। चलिए अगला देखते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ पोल्ट्री इंप्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट इज लोकेटेड एट, यानी कि कुक्कुट सुधार परियोजना का निदेशालय कहाँ पे स्थित है? बताइए भाई। महेश, मुकेश मौर्या सेकंड। वेरी गुड, हैदराबाद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हैदराबाद। ठीक है, पहले ये क्या था? AICRP था, AICRP, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पोल्ट्री, पोल्ट्री। ठीक है, ये पहले इज्जत नगर बरेली में था। ठीक है, इज्जत नगर में था, बरेली, ये जिसे यूपी कह सकते हैं आप, स्टेट में देखें तो यूपी। पहले ये यूपी में था, कब तक? 1970, 1970। ठीक है, 1970 में यूपी में इसकी स्थापना हुई थी, फिर इसको ट्रांसफर किया गया कहाँ? हैदराबाद। ठीक है, तो इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ पोल्ट्री इंप्रूवमेंट। अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना यहाँ पे कब हुई हैदराबाद में, तो 1988, 1988। ठीक है, लेकिन इसका शुरुआती किस नाम से हुई थी? तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट के नाम से हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, 1970 में, 1970 में। ठीक है, फिर इसको ट्रांसफर कर दिया गया कहां पे? हैदराबाद में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सेकंड। नेक्स्ट है, द बेस्ट क्रॉप फॉर साइलेज मेकिंग, साइलेज बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल। ठीक है, साइलेज क्या होती है? हम चारे को, जो फॉडर क्रॉप्स होती हैं, जो जिनका हम फॉडर यूज करते हैं पशुओं को खिलाने में, तो
उनको क्या करते हैं, कंजर्व करके किसी पिट में दबा देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, हम उसे जब 1-2 महीने बाद जब चारे की डिफिशेंसी होती है, कमी होती है, ठीक है, लगभग जैसे कि आपका महीना जो आता है अप्रैल, मार्च अप्रैल में क्या है, मुख्यतः चारे की कमी होती है, ठीक है। अगर हम पहले स्टोर करके रख देंगे चारे को साइलेज के रूप में, ठीक है, तो हम इस महीने में इसको आसानी से खिला सकते हैं पशुओं को, इसकी क्वालिटी भी रिड्यूस नहीं होती है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं साइलेज, ठीक है। तो साइलेज बनाने में कौन सी फसल का प्रयोग किया जाता है, आंसर है आपके पास वीट, बरसीम, बाजरा या सुगर केन। क्या होगा इसका आंसर, यादव, वेरी गुड, बरसीम, ठीक है। तो बरसीम की साइलेज बनाई जाती है, ओके, जितने भी सकुलेंट प्लांट होते हैं उनकी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है खैरा डिजीज ऑफ राइस। देखिए ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जो खैरा रोग है वो किसकी कमी से होता है, धान में जिंक की कमी से, ठीक है। इसको कैसे मैनेज करेंगे या इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, जिंक सल्फेट के द्वारा। जिंक, जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट का स्प्रे कर देंगे, जिससे क्या होता है जिंक की कमी पूरी हो जाती है प्लांट में। और ये देखो खैरा डिजीज जो है, खैरा रोग किस अवस्था पे लगता है, मुख्यतः सीडलिंग स्टेज, सीडलिंग स्टेज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला। हाँ भाई, ये बाईएल नैने ने बताया था, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। सोनू यादव, बाईएल नैने सबसे पहले ये रोग जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, बाईएल नैने, बाईएल नैने ने कहाँ पे, पंत नगर इन्होंने बताया था कि जो खैरा रोग है वो किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है, यानी कि ये क्या है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होते हैं, कारकी विकार जिनमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि एबायोटिक फैक्टर से होता है, जैसे अधिक तापमान की वजह से, या आप कह सकते हैं न्यूट्रेंट की कमी या अधिकता की वजह से जो रोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ओके। चलिए अगला देखते हैं, धान की छिटकवा पडलट दशा के तहत 1 हेक्टेयर भूमि में कितने बीज की आवश्यकता होती है, कितने बीज की आवश्यकता होते, सीड रिक्वायर्ड टू सो 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड अंडर ब्रॉडकास्ट पडलेट कंडीशन ऑफ राइस, ठीक है। जब हम राइस की पडलिंग कर देते हैं, जब हम राइस की पडलिंग कर देते हैं, पडलिंग क्या होता है, खेत में लगभग हम 5 से 7 सेंटीमीटर पानी को भर देते हैं। देखो पानी को बेसिकली तब तक उसमें दिया जाता है जब तक कि सॉइल जो हमारी सेचुरेट ना हो जाए। सेचुरेट का मतलब होता है कि उसमें पोर्स जो है माइक्रो और मैक्रो दोनों पानी से भर ना जाए, यानी कि पानी जो है इन्फिल्ट्रेशन होना बंद हो जाए, वो सेचुरेट कंडीशन कहलाती है, या आप दूसरे वर्ड में इसको मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब पानी हम भर देते हैं फील्ड में, तो उसके बाद ट्रैक्टर के द्वारा, ठीक है, कल्टीवेटर के द्वारा उसमें क्रॉस प्लाविंग की जाती है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है पडलिंग, ठीक। तो जो फील्ड तैयार होता है उसको पडलेट फील्ड बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, बीड को डिस्ट्रक्शन खत्म करने के लिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीड, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि उसमें ढेले को तोड़ने के लिए या सॉइल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए ये प्रोसेस की जाती है, ठीक। तो जब ये प्रोसेस कर लेते हैं तो उस कंडीशन को बोला जाता है पडलेट कंडीशन, ठीक है। तो इस दशा में जब हम सीड को ब्रॉडकास्ट करेंगे तो 1 हेक्टेयर में कितना सीड लेंगे, 50 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, ठीक है, या 150 या 200 किलोग्राम, बताइए भाई। A, कोमल कुमारी, वेरी गुड, 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यहां देखो थोड़ा क्वेश्चन घुमा हुआ है, यहां पे पडलिंग कंडीशन दी है, पडलेट कंडीशन। मोस्टली हम लोगों ने जो देखा है वो डायरेक्ट सीडेड में देखा है, सीड जो है जो डायरेक्ट सीडेड, यानी कि जिसमें पडलिंग नहीं की जाती, हम डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट करते हैं, फील्ड को तैयार नहीं करते हैं, जो पडलिंग बताई है मैंने प्रोसेस ये नहीं करते हैं।
तो उसमें 100 किलोग्राम लेते हैं। अगर हम पडलिंग की बात करेंगे तो उसमें कितना लगेंगे सीड, लगभग 50 किलोग्राम, ठीक है, प्रति हेक्टेयर। सुन, हाँ भाई, SRI विधि की हेनरी डी लेलानी ने की थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ओके, तो ये भी याद रखना पडलिंग के क्या क्या फायदे हैं। पहला तो वाटर लॉस, लीचिंग, जो इन्फिल्ट्रेशन होता है वो रुक जाता है, या आप कह सकते हैं परकुलेशन लॉस नहीं होता है वाटर का, ठीक है, परकुलेशन के द्वारा। और दूसरी चीज है कि वीड की जो पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाती है, ठीक है, और जो है हम सीडलिंग को आसानी से उसमें डिप कर सकते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, रेड कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति से मृदा का जो लाल रंग है, मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है, ठीक है, हेमेटाइट, लिमोनाइट या जियोथाइट या टर्गाइट, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए, हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट के कारण जो लाल मृदा है उसका लाल रंग होता है। ओके, और भी याद रखना है आपको, जैसे ब्लैक कलर सॉयल, ब्लैक सॉयल का ब्लैक कलर क्यों होता है, उसमें टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट किसके कारण होता है, टिटेनी फेरस, ब्लैक कलर का ब्लैक सॉयल टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण, मैग्नेटाइट या क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स, क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लैक सॉइल का ब्लैक कलर किसके कारण होता है, तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट या क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स के कारण, ठीक। अगली है जैसे लवड़ी मृदा जिसे कहते हैं सेलाइन सॉइल, ठीक, सेलाइन सॉइल का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, तो व्हाइट किसके कारण होता है, उसमें साल्ट पाए जाते हैं, ठीक है, साल्ट, लवड़ के कारण साल्ट, ठीक, इसके कारण जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट सॉइल सरफेस पे पाया जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जितने लवड़ होते हैं, जितने साल्ट्स पाए जाते हैं, वो हाई इवेपोरेशन की वजह से वो क्या हो जाते हैं, सॉइल के निचली सतह से ऊपरी सतह पे आ जाते हैं, ठीक है, तो साल्ट्स का इवेपोरेशन तो हो नहीं सकता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ऊपरी सरफेस पे ये जम जाते हैं, तो जिससे क्या होता है, जो लवड़ी मृदा होती है वो दूर से कैसी दिखाई देती है, सफेद, ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक, ये हो गया, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स क्रॉप ग्रोन फॉर ग्रेन फॉडर एंड ग्रीन मैन्योर, ठीक है, कौन सी दलहनी फसल जो है अनाज चारा तथा हरी खाद के लिए उगाई जाती है। पहला ऑप्शन है आपके पास काउपी, रेड ग्राम, लेंटिल और ग्राम, ठीक है, ग्राम को कहते चना, रेड ग्राम को हिंदी में बोला जाता है अरहर, अरहर, ठीक है, तो इसमें बताना है कि तीनों पर्पस से कौन सी जो है फसल उगाई जाती है। लोबिया, वेरी गुड, ठीक है, जिन लोगों का पहला पहला है वो सबका सही है, काउपी, ठीक है, ये एक ऐसी लेग्यूम है जिसका प्रयोग अनाज के रूप में भी किया जाता है, चारे के रूप में भी करते हैं, और हरी खाद की फसल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, बाकी किसी का प्रयोग तीनों में नहीं किया जाता, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, पहला काउपी। हाँ भाई, सीएन रेशियो देखो, तो और याद रखना, सीएन रेशियो, सीएन रेशियो, तो जितनी ग्रीन मैन्योर क्रॉप होती है उनका सीएन रेशियो कितना होता है, लगभग 15:1 होता है, ठीक है, एक्चुअली अगर देखा जाए, देखो यहां पे एक याद रखना 15 से 20 होता है, इसका वैरी करता रहता है, तो आप यहां पे एक चीज याद रखेंगे कि सीएन रेशियो का मतलब है कि कितना कि सॉइल में कार्बन और नाइट्रोजन कितना कितना पाया जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, सॉइल में जो नाइट्रोजन ऑर्गेनिक रूप में पाई जाती है उसको इनऑर्गेनिक में चेंज करने के लिए ये सीएन रेशियो देखा जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को बोला जाता है खनिजीकरण या मिनरलाइजेशन, ठीक है, खनिजीकरण या मिनरलाइजेशन, ठीक, तो अब मिनरलाइजेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सीएन रेशियो उस रेजिड्यू का कितना है, फसल अवशेष का कितना है, अगर देखो सीएन रेशियो 20:20 से कम है, 20:1 से
कम है तब तो सॉइल में खनिजीकरण होगा। खनिजीकरण का मतलब बताई दिया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का इनऑर्गेनिक में चेंज होना। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक में चेंज होगा तभी उसे एब्जॉर्ब करेगा पौधा। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आप डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर वाला वीडियो देख लेना, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो तब खनिजीकरण होगा। अगर यही सी एन रेशियो हो जाता है आपका 20:30:1, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है जितना खनिजीकरण होगा उतना ही अखनिजीकरण होगा, इमोबिलाइजेशन और मिनरलाइजेशन दोनों ही बराबर होगा। ठीक है, तो ना ही न्यूट्रेंट गेन होगा ना ही लॉस होगा। ठीक है, तो सी एन रेशियो कितने से कम होना चाहिए, 20:30 से कम। अगर देखो 30 से ज्यादा है, 30:30 से अधिक है, तब क्या होगा, ओनली इमोबिलाइजेशन होगा। इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल फॉर्म में है या जो नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर्म में, उपलब्ध फॉर्म में है या इनऑर्गेनिक फॉर्म में है, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाएगी, ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में पौधा जो है वो कोई भी एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है इसमें। चलिए अगला देखते हैं, विच ऑफ द इंडियन स्टेट इज पॉपुलरली कॉल्ड सोया स्टेट। सोया स्टेट किसको कहा जाता है, ठीक है, तो सोया स्टेट मतलब जहां पे सोयाबीन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है उसी को सोया स्टेट कहेंगे। तो ऑप्शन है आपके पास यूपी, एमपी, ठीक है, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो किसको कहते हैं भाई, एमपी, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एमपी। एमपी को ही सोया स्टेट कहा जाता है क्योंकि यहां पे सोयाबीन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है स्टेट, ठीक है, भारत में। चलिए इसको देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान देना है, इसको थोड़ा समझना है, ठीक है, तब लगाना है इसका। भाई गुजरात नहीं है, क्लासिक जो भी है, ठीक है, एमपी को ही कहते हैं। आंसर देखिए, पौधों में अधिक नाइट्रोजन से क्या होता है, जब हम पौधों में अधिक नाइट्रोजन अप्लाई कर देते हैं तो उस समय चेंज क्या होता है। देखिए, पहला ऑप्शन है सकुलेंसी, ज्यादा रस भरना, ठीक है, या मुलायम हो जाता है पौधा। नेक्स्ट है डीप रूट ग्रोथ सिस्टम, जड़ों की गहराई में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है अर्ली फ्लावरिंग, जल्दी फ्लावरिंग आती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिले मैच्योरिटी, ठीक, बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। पापा का मगरमच्छ। चलिए भाई चौथा, ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, डिले मैच्योरिटी, ठीक है। तो मैच्योरिटी जो है वो, मैच्योरिटी पीरियड जो है वो बढ़ जाती है, यानी परिपक्वता देरी से होती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डी सही होगा। अगर हम ये भी देखना चाहें तो इसको कह सकते हैं, हम इसको किस कंडीशन में सही कहेंगे, जितनी फॉडर क्रॉप्स होती है, फॉडर क्रॉप्स में क्या है, नाइट्रोजन ज्यादा देना पड़ता है हमें। क्यों क्यों देते हैं नाइट्रोजन, क्योंकि पौधे के जो प्लांट पार्ट्स हैं वो क्या रहे हैं, मुलायम रहे, जिससे जो पशु है वो आसानी से फीड कर सके, खा सके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो वो क्या होगा, डिले मैच्योरिटी। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा फास्फोरस की भी कंडीशन समझ लो। फास्फोरस, अगर देखो फास्फोरस को फ्लावरिंग से पहले दिया जाता है, फ्लावरिंग से पहले दिया जाता है, तब भी ये क्या कर देता है, मैच्योरिटी को डिले कर देता है, मैच्योरिटी को बढ़ा देता है। अगर यही फास्फोरस फ्लावरिंग के बाद दिया जाता है तो मैच्योरिटी जो है, पीरियड जो है, वो समय जो है वो कम हो जाता है, यानी जल्दी पक जाएगा पौधा, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है आपको। चलिए इसमें बताना है आपको, विच इज द बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर बेसल एप्लीकेशन ऑफ पैडी पडलेट फील्ड, ठीक है, धान के पिंकलित खेत, यानी पडलेट फील्ड। अभी बता दिया ये क्या होता है, धान में खाद के रूप में सर्वोत्तम उर्वरक कौन सा है, पहला अमोनियम सल्फेट, यूरिया या डीएपी या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, ठीक है।
पहला, वेरी गुड, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो ये क्यों दिया जाता है, इसको थोड़ा समझ लेंगे। देखो, जब हम धान में पडलिंग करते हैं तो उस समय दो जोन बनते हैं। सपोज ये फील्ड है आपका, ठीक है, पडलिंग, जिसमें पडलिंग की हुई है हमने, ठीक है। तो इसमें देखो, पडलिंग के समय क्या होते हैं, दो जोन बनते हैं। पहला जोन जो होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइज जोन, ऑक्सी डाइज जोन, जिसे हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकृत जोन, ऑक्सीकृत क्षेत्र। ऑक्सीकृत का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती हो, ठीक है। नीचे कौन सा होता है, इसके नीचे होता है रिड्यूस जोन, अनऑक्सीकृत जोन, आप चाहे जिसे कह सकते हैं। ठीक है, अपचयित। ओके, तो इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, डिफिशियंसी, या बिल्कुल नहीं होती, एब्सेंस होती है, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, एब्सेंस। ठीक, तो इस समय देखिए, इस समय कंडीशन क्या बनती है, ठीक, देखिए इस समय क्या बनती है कि जब हम किसी भी उर्वरक को उसमें देखते हैं कि भाई नाइट्रेट फर्टिलाइजर है या अमोनिकल फर्टिलाइजर है, ठीक है। नाइट्रेट फर्टिलाइजर का मतलब होता है कि ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रेट रूप में पाई जाती है, नाइट्रेट फर्टिलाइजर कहलाते हैं। और अमोनिकल फर्टिलाइजर कौन से होते हैं, ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन अमोनिकल फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। अगर देखो, हम यही नाइट्रेट फर्टिलाइजर अगर हम रिड्यूस जोन में दे देंगे, यहां पे दे देंगे, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, जो सॉयल में इस कंडीशन में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे बैसिलस स्यूडोमोनास, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है, ये यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे यूज करेंगे, तो जैसे जैसे यूज करते जाएंगे, डिनाइट्रिफिकेशन तेजी से होता जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम जितने भी अमोनिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि रिड्यूस जोन में कितने कौन से उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि अमोनिकल उर्वरक, और ऑक्सीडाइज जोन में कौन से उर्वरक देते हैं, नाइट्रेट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए बेसिकली कौन सा शुरुआती में हम उर्वरक देते हैं, तो जितने अमोनिकल फर्टिलाइजर होते हैं उनको दिया जाता है, जैसे अमोनियम सल्फेट, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्चर्ड प्लांटिंग सिस्टम अकोमोडेट्स 15% मोर प्लांट्स पर यूनिट एरिया देन स्क्वायर सिस्टम, ठीक है। निम्न में से किस उद्यान रोपण प्रणाली में प्रति इकाई क्षेत्र में स्क्वायर प्रणाली की तुलना में 15% से अधिक वृक्षों को लगाया जाता है, ठीक है। नॉर्मल जो है 15% से अधिक लगते हैं, किस विधि से, ठीक है। तो हेक्सागोनल, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर या कंटूर सिस्टम, तो इसका क्या होगा, हेक्सागोनल, षटकोणी विधि में 15% जो है वो प्लांट अधिक लगते हैं, ठीक है, अधिक प्लांट होते हैं। इसका आंसर क्या होगा, पहला। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पेशलाइज्ड स्टेम प्रोड्यूस फ्रॉम लीफ एक्सेल एंड प्रोस्ट्रेट्स हॉरिजॉन्टली फोर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन स्कार्ट, पर्ण अक्ष से उत्पन्न एक विशिष्ट तना जो कायिक प्रवर्धन में क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, रनर्स, सकर्स, या ऑफसेट, या राइजोम, बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। 21, लीफ एक्सेल से, देखो इसको याद रखना है, लीफ एक्सेल, पर्णक्ष, तो क्या होगा इसका, सकर्स, उसको क्या बोला जाता है, सकर बोला जाता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, फोर्थ। नेक्स्ट है, यहां पे देखो परसेंटेज लिखा है, या पेरेंट्स है, पेरेंट्स, ठीक है।
तो आम्रपाली के पेरेंट्स बताना है, आम्रपाली किसका क्रॉस है, नीलम गुणे दशहरी का या नीलम अल्फांसो का? ठीक है, या दशहरी गुणे नीलम का या रत्ना गुणे अल्फांसो? तो इसका क्या होगा भाई? क्या होगा इसके पेरेंट्स क्या है? दशहरी गुणे नीलम। ठीक है, आंसर इसका हो क्या हो जाएगा? थर्ड। पपीते की वे किस्में जो अपने जैसी ट्रू टाइप, ठीक है, फसल वाली हैं, उनके व्यावसायिक उत्पादन द्वारा पसंद की जाती है, यानी कि जो इन पपाया द वैरायटीज विच ब्रीड ट्रू टू टाइप, ठीक है, एंड प्रेफर्ड बाई कॉमर्शियल ग्रोअर। कॉमर्शियली रूप से या व्यावसायिक रूप से निम्न में कौन सी जो है, जो हमारी पपाया की वेराइटीज़ हैं वो किस प्रकार की होती है? डायोसियस होती हैं या गायनो डायोसियस होती हैं, एंड्रोसियस या मोनोसियस, बताइए भाई। ठीक है, कैसी होती है ये? सॉरी, डायोसियस। इसका पहला क्या होगा? पहला होगा डायोसियस। कुछ ही वैरायटीज हैं जो गायनोडायोसियस हैं, ठीक है, डायोसियस होता है भाई, इसकी हिंदी अलग अलग होती है। डायोसियस का मतलब एक लिंगी, एक लिंगाश्रयी, ठीक है। इनके मेल फ्लावर अलग प्लांट पे होते हैं और फीमेल अलग पे, ठीक है, मोनोसियस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है, रेड कलर इन टोमेटो फ्रूट इज ड्यू टू पिगमेंट इज कॉल्ड, यानी कि टमाटर में जो लाल रंग होता है वो किस वर्णक के कारण होता है, किस पिगमेंट के कारण होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास कैरोटीनॉइड, लाइकोपीन या प्रोलाइकोपीन या क्लोरोफिल। 24 का 2 लाइकोपीन। ठीक है, क्या होगा? लाइकोपीन आंसर क्या होगा? सेकंड, क्लोरोफिल के कारण ग्रीन होता है, ठीक है, और जो हल्के पीले कलर के होते हैं उसमें कैरोटीनॉइड पाया जाता है या जेंथोफिल। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, द वेज लाइफ ऑफ कट फ्लावर कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्लेसिंग स्पाइक इन सॉल्यूशन कंटेनिंग, यानी कट फ्लावर का जो जीवन काल है उनके स्पाइक्स में निम्नलिखित किसके घोल की सहायता से बढ़ाया जा सकता है? तो किसका घोल होना चाहिए? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, NAA का पूरा नाम क्या होता है? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, तो इनमें बताना है आपको। फोर्थ ऑप्शन है 2,4-D, ठीक है, तो किसके सोल्यूशन से बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन क्या होगा इसका? कट फ्लावर का जीवन काल, ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? सुक्रोज। तो जो कट फ्लावर के स्पाइक्स हैं उनका जो जीवन काल है, ठीक है, तो किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? सुक्रोज के सोल्यूशन के द्वारा। थर्ड, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिड्यूस द स्प्राउटिंग इन ऑनियन एंड पोटैटो, ठीक है, स्टोरेज के समय अनियन और पोटैटो, यानी कि प्याज और आलू में अंकुरण किसके द्वारा रोक सकते हैं हम, ठीक है, भंडारण के समय? पहला है एट्राजिन, नेक्स्ट है स्टॉम्प, मैलिक हाइड्राजाइड या मेलाथियन, बताइए भाई। मैलिक हाइड्राजाइड, नेहक मैलिक हाइड्राजाइड, वेरी गुड। तो
लगभग सभी का सही है। ठीक है, ये क्या है, पहला देखो ऑप्शन देखो, एट्राजिन। एट्राजिन क्या है, हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड, मेनली हर्बिसाइड है, जो कि किस में प्रयोग किया जाता है, एट्राजिन और सीमाजिन मेज में। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉम्प, ठीक, ये किसमें, लेग्यूम क्रॉप में मेनली प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मेलाथियोन, ये इंसेक्टिसाइड है। ठीक, एट्राजिन का प्रयोग एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में, या आप कह सकते हैं वाष्पोत्सर्जन अवरोधक के रूप में भी प्रयोग करते हैं जब इसका वीक सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, और बचा क्या है, मैलिक हाइड्राजाइड, ये एक ऐसा हार्मोन है जो स्प्राउटिंग को रोकता है। ठीक, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है अनियन और पोटैटो में आप याद रखेंगे डीहॉल्मिंग, क्या कहते हैं, डीहॉल्मिंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जब हम आलू की खुदाई करते हैं, खुदाई के एक एक हफ्ते या 10 दिन पहले क्या करते हैं, हम डीहॉल्मिंग कर देते हैं, उसके हॉल्म को या स्टेम को नष्ट करने के लिए मैलिक हाइड्राजाइड का प्रयोग किया जाता है, यानी उसकी ग्रोथ नहीं होती स्टेम की जो ऊपर लगा रहता है। ठीक है, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इस प्रोसेस को क्या क्या कहा जाता है, डीहॉल्मिंग। ठीक, या आप कह सकते हैं ये डॉर्मेंसी को बढ़ा देता है, या आप तो ऐसे बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं भंडारण करते समय जब हम भंडारित करते हैं प्याज और आलू को, तो उस समय क्या है, इस केमिकल या इस हार्मोन के द्वारा इनको ट्रीट कर दिया जाता है जिससे अंकुरण नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द पोलर रीजन इज अ फिनोमिना अकरिंग इन द, यानी ध्रुवीय क्षेत्र में ओजोन परत का क्षय, ठीक है, तथा ओजोन होल का निर्माण आकाश की किस परत में होता है। आपके पास ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, मीजो, स्ट्रेटो या थर्मो। भाई ये मैक्सिमम जूम है, इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता। इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। ठीक है, तो किसमें पाया जाता है, सबका सही है लगभग, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, तो जो ओजोन लेयर पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, लगभग 23 से 25 किलोमीटर। ठीक है, नीचे से कितने, 23 से 25 किलोमीटर पर सबसे अधिक कंसंट्रेशन रहता है ओजोन का। तो ओजोन होल का मतलब है, ऐसा नहीं है कि भाई उसमें छिद्र हो रहा है, ठीक है, ओजोन होल का मतलब है थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का पतला होना। ठीक है, थिनिंग का मतलब होता है, उसी को कहते हैं ओजोन होल, जो परत है वो धीरे धीरे क्या हो रही, कम हो रही है ओजोन की। जब बिल्कुल कम हो जाएगी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आने लगेगा, ओके, पृथ्वी पे, तो उसको रोकने के लिए ये लेयर होती है। तो कितने पे पाई जाती है, 23 से 25 किलोमीटर। ठीक है, और ट्रोपोस्फीयर कहाँ होता है, अप टू 18 किलोमीटर, कितना, अप टू 18 किलोमीटर। इसके बाद जस्ट होता है स्ट्रेटो, फिर 50 किलोमीटर के बाद मीजोस्फीयर। ओके, चलिए सीएफसी का पूरा नाम बताना है भाई, सीएफसी का मतलब क्या होता है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ, सीएफसी, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। भाई कमेंट करके बताइए, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्लोरोफिल का कितना कंट्रीब्यूशन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इस गैस का ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूशन बताइए भाई, सीएफसी का। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट यूज एज ए फर्टिलाइजर, यानी निम्न में से किसे उर्वरक के तौर पर प्रयोग नहीं किया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फास्फेट या सोडियम फास्फेट या यूरिया। चलिए, तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता, सोडियम फास्फेट का, किसका, सोडियम फास्फेट। ठीक है, क्योंकि सोडियम पाया जाता है इसमें, पीएच को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, या सैलिनिटी प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फास्फेट और यूरिया का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है।
नेक्स्ट है साइज ऑफ ह्यूमन जीनोम इन मेगा बेस पेयर। ठीक है, मानव जीवन मेगा बेस पेयर में मानव जीनोम का आकार है, ये बताना है। एमबीपी तीन, वेरी गुड, 3,000। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? 3,000। कोकोनट में देखो, वाटर नारियल के अंदर पाए जाने वाला पानी है, यानी कि वाटर फाउंड इन इनसाइड द कोकोनट। तो ऑप्शन है आपके पास, स्टोर्ड ड्यूरिंग रेन्स, वर्षा के दौरान इकट्ठा हो जाता है, या एब्जॉर्ब ड्यूरिंग वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जल ट्रांसपोर्ट के दौरान अवशोषित हो जाता है, या फ्लड एंडोस्पर्म जो भ्रूण पोष का ये द्रव होता है, या सेल सेप कोष का रस होता है। ठीक है, सोनू यादव, वेरी गुड। तो आंसर क्या होगा इसका? पापा का मगरमच्छ, धीरज कुमार। ठीक है, सबका सही है लगभग, फ्लड एंडोस्पर्म, ठीक है, भ्रूण पोष का ये द्रव होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? 3, थर्ड। नेक्स्ट है, व्हाट डज अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डू, एक प्रतिबंधित एंजाइम क्या करता है, ये बताइए भाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। ठीक है, एक एंजाइम है इको आर वन, इको आर वन, ठीक है, इको आर वन ये एंजाइम है। ठीक है, जहां पर इसको देखो, जहां पर इस एंजाइम को टीटीसी है, जहां पर ये साइट मिलेगी इसे GAATTC, ठीक है, वहां पर क्या करेगा? ये डीएनए को कट कर देगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? 4th। ये तो भाई सबको पता होगा, एक डीएनए सूत्रक में आधार पेयर वाले बॉन्ड हैं, द बॉन्ड्स दैट होल्ड बेस पेयर इन द इन अ डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, बिग हार्ट, रोहित साहू, वेरी गुड, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण में सम्मिलित अणुओं का सही क्रम क्या है? अणुओं का सही क्रम, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4th, डीएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए और पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, नेक्स्ट है, द सेल्स विच नो लॉन्गर डिवाइड सच एज सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेल फाउंड इन द ह्यूमन ब्रेन, ठीक, आर एम एन इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल, वे कोशिकाएं जो अधिक समय तक विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है, वो किस कोशिका चक्र में या किस कोशिका चक्र के फेज में रहती हैं? तो ऑप्शन है प्रोफेज, एस फेज, या जी फेज, या G1। तो आंसर क्या होगा? G0 फेज। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? C, थर्ड। नेक्स्ट है, नेट सॉन एरिया इन इंडिया, भारत में शुद्ध बुआई का क्षेत्र। देखो आईसीआर में क्या है, पहले जो जिस समय के ये पेपर हैं, ठीक है, 10, 11, 12 जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उसमें जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती थी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, नेट सॉन एरिया बताइए, भारत में शुद्ध बुआई का क्षेत्र 110 मिलियन हेक्टेयर,
141 मिलियन हेक्टेयर या 240 या 100 मिलियन हेक्टेयर? चलिए 141 मिलियन हेक्टेयर, इसका क्या होगा सेकंड? ठीक है, एक्चुअली 143 होता है, 142 पॉइंट कुछ, ठीक है, नेट सोन एरिया का। टोटल जियोग्राफिकल एरिया की बात करें, टोटल जियोग्राफिकल एरिया, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत का, अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा जाए तो कितना है? 329 मिलियन हेक्टेयर, उसमें से कितना जोता जाता है? 141 नेट सोन, इतने बुआई की जाती है। ठीक है, बाकी आपका आ जाता है डिग्रेडेड लैंड में और प्रॉब्लमेटिक सॉइल के अंतर्गत, जितने भी डिग्रेडेड यानी निम्नीकृत सॉइल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड। चलिए, कुफरी सदाबहार किसकी वैरायटी है? कॉटन, स्वीट पोटैटो, पोटैटो या मैरीगोल्ड? यह बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पोटैटो, आलू। देखो, जिनके नाम वैरायटी के आगे कुफरी लगा होता है, वो सभी क्या है, किसकी है? लगभग आलू की प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट है मुर्रा, जाफराबादी एंड सूरती किसकी नस्लें हैं? गाय, बफेलो, गोट्स या सीप? तो आंसर क्या होगा इसका? बफेलो, भैंस। मुर्रा, जाफराबादी और सूरती। ठीक है, मुर्रा देखो इंडिया की एक ऐसी ब्रीड है, एक ऐसी नस्ल है जो सबसे अधिक दूध देती है, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, और इसका कलर भी याद रखना कि जो मुर्रा नस्ल है भैंस की, उसका बॉडी का कलर कैसा होता है? तो जेट ब्लैक, गहरा काला। ठीक, नेक्स्ट है जाफराबादी, तो जाफराबादी जो होती है उसके सींग बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, जाफराबादी में फैट ज़्यादा पाई जाती है, जैसे भदावरी में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, चलिए, एल्कलाइन सॉइल को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? एल्कलाइन सॉइल कैन बी रिक्लेमेड बाई एडिक्शन ऑफ कैल्शियम, लाइम, कैल्शियम नाइट्रेट या जिप्सम? जिप्सम। ठीक है, और लाइम का प्रयोग किसको सुधारने में करते हैं? एसिडिक सॉइल को, अम्लीय मृदा को। ठीक है, जिप्सम की जगह और क्या दे सकते हैं? पायराइट। ठीक, और लाइम का मतलब देखो, यहाँ एग्रीकल्चर लाइम का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, हमेशा याद रखना। एग्रीकल्चर लाइम आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब किसके बारे में पूछ रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी प्योरिटी होती है 60 से 70% लगभग। ठीक है, ब्रुसलोसिस, ब्रुसलोसिस जो कंटाजियस डिजीज है, ठीक है, तो किसके संपर्क में आने से फैल सकता है ये? संक्रमित पशु का मांस खाने से, या संक्रमित चिकन के अंडों से, या प्रवासी पक्षियों से, या जल प्रदूषण से? इसका आंसर क्या होगा? पहला, संक्रमित पशु का मांस खाने से। ठीक है, इसके कांटेक्ट में जो भी आएगा उसको हो जाता है ये। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोनोइसियस फ्लावर? राइस, ग्राउंडनट, मस्टर्ड या मेज? बताइए भाई। राइस, मेज, ग्राउंडनट या मस्टर्ड? ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? मस्टर्ड।
है। नेक्स्ट है गॉल्जी अपरेटस इज आल्सो नोन एज, राइबोसोम, डिक्टियोसोम या सेंट्रियोल्स या लाइसोसोम। तो गॉल्जी काय को या गॉल्जी बॉडी को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? डिक्टियोसोम। ठीक है, गॉल्जी बॉडी को और क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम। नेक्स्ट है आईपीआर का पूरा नाम, इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंडिजीनियस प्रोडक्ट राइट्स या इंडियन प्रॉपर्टी राइट या इंटरनेशनल प्रोडक्ट राइट्स राइट। ठीक है, इसका आंसर भाई क्या होगा? सेकंड। अच्छा, खुशबू कुमारी। सी, किसी का सही नहीं। क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, आईपीआर का पूरा नाम क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार। ठीक है, आपके बीएससी एजी में कोर्स भी है ये आईपीआर का। कोशिका के किस भाग में पाचक एंजाइम होते हैं? विच सेल ऑर्गेनेल हैविंग डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, पिछले पेपर में भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इसका आंसर क्या होगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। ओके, वाटर स्टेबल एग्रीगेट्स इन सॉइल इंक्रीज्ड बाय एडिंग ऑफ, यानी कि निम्न में से जल स्थाई समुच्चय किसके योग द्वारा मृदा में बढ़ते हैं? इसका आंसर क्या होगा? फास्फोरस या फास्फेटिक फर्टिलाइजर। ठीक है, सॉइल वाटर एग्रीगेट या वाटर स्टेबल एग्रीगेट सॉयल में हम कैसे बढ़ा सकते हैं? जब हम उस सॉयल में फास्फेटिक फर्टिलाइजर जितने होते हैं उनको ऐड करेंगे या उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लेटराइजेशन। लेटराइजेशन क्या है, या आप कह सकते हैं मृदा में लेटराइजेशन प्रोसेस से किसका संचयन होता है? आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड का, सिलिका का या कैल्शियम सल्फेट का, या CaSO3 या कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा भाई? आंसर बताइए भाई जरा। इसका आंसर क्या होगा? 1000 किलोग्राम। ठीक है, 1 मैट्रिक टन बराबर कितना होता है? 1000। अच्छा ये बताइए, लेटराइजेशन प्रोसेस, तो लेटराइजेशन में देखो, लेटराइजेशन का मतलब होता है, यहां समझ लो थोड़ा, इसका आंसर जो होगा एक्चुअली वो क्या होगा? आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड। जब ए होराइजन में देखो, जो सॉयल होती है, जो सॉयल प्रोफाइल होती है, उसमें 5 होराइजन पाए जाते हैं। कितने होराइजन पाए जाते हैं? 5। अगर आपसे पूछा जाए सॉइल प्रोफाइल में कितने मास्टर होराइजन पाए जाते हैं, तो 5। कौन कौन से होते हैं? ओ, ए, बी, ई और सी। ठीक है,
ये पांच होराइजन इसमें पाए जाते हैं। तो लेटराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो सॉइल के ऊपर आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं, आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं ए होराइजन से, हाँ ये जो पाए जाते हैं उस केस में क्या होता है कि इनके अलावा जैसे सिलिका है, सिलिका ठीक, तो सिलिका का क्या हो जाता है ए होराइजन से ये कहाँ चली जाती है, बी होराइजन में चली जाती है सिलिका, जिससे क्या होता है सेक्सिव ऑक्साइड का जो रेशियो है वो ऊपरे ए होराइजन में बढ़ जाता है। या आप कह सकते हैं जब ए होराइजन में ए संस्तर में एल्युमिनियम और सिलिका के ऑक्साइड इकट्ठे होने लगते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है लेटराइजेशन। ठीक, इसकी जस्ट अपोजिट प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं पॉडजोलाइजेशन, पॉडजोलाइजेशन। ठीक है, पॉडजोलाइजेशन के केस में क्या होता है, इसमें देखो लेटराइजेशन में सिलिका लीच डाउन की थी, ठीक है, वाटर के साथ सिलिका लीच डाउन कर जाती है। पॉडजोलाइजेशन के केस में क्या होता है, जितने एल्युमिनियम और आयरन के ऑक्साइड होते हैं वो लीच डाउन करते हैं, न कि सिलिका। यानी कि इस केस में क्या होता है एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका। ठीक, यानी ए होराइजन में सिलिका का जब सिलिका इकट्ठी होती है तो उसको पॉडजोलाइजेशन कहते हैं, जब ए होराइजन में आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड या सेस्क्यू ऑक्साइड जिसको कहते हैं, ठीक है, वो इकट्ठे होते हैं तो उसको कहते हैं लेटराइजेशन। तो लेटराइजेशन जो सॉयल बनती है उसको कहते हैं लेटेराइट सॉयल। क्या कहते हैं, लेटेराइट सॉयल। ठीक, जिसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन सबसे ज्यादा की जाती है, और पॉडजोलाइजेशन से जो बनती है उसको कहते हैं पॉडजोल सॉयल। ठीक है, तो दोनों को याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है सोनू यादव। ओ होराइजन जो होता है उसको ऑर्गेनिक होराइजन भी कहते हैं, जो कि फॉरेस्ट सॉयल में या फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट एरिया में देखा होगा पत्ती वगैरह ज्यादा पाई जाती है, प्लांट पार्ट्स, ठीक है, तो वो क्या करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का रूप ले लेती हैं वो पत्तियां, तो उसी को बोला जाता है ऑर्गेनिक होराइजन। और जितनी कल्टिवेटेड सॉयल होती है उसमें ये होराइजन जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। लेटराइजेशन में आयरन और एल्युमिनियम इकट्ठा होता है, आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड इकट्ठे होते हैं ए होराइजन में, और सिलिका क्या है लीच डाउन कर जाती है बी होराइजन में। ठीक, और सिलिका क्या होती है, सिलिका एक्युमुलेशन किसमें होती है, पॉडजोलाइजेशन। ठीक है, उसमें ये बी होराइजन में चले जाते हैं। नेक्स्ट है वन मैट्रिक टन, ठीक है, तो इसका क्या होगा 1000 किलोग्राम। नेक्स्ट है एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी, दो होती है, एक कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है कि एनायन एईसी, एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक है, एनायन विनिमय क्षमता या ऋणायन विनिमय क्षमता। तो जब सॉइल पीएच बढ़ता है तो एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी बढ़ती है या ये घटती है, ठीक है, डिक्रीज होती है, या पहले बढ़ती है फिर घटती है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो भाई इसका बताइए, तो इसका क्या होगा, सी, अच्छा पहले बढ़ती है फिर घटती है, डिक्रीज होती है पीएच, नेहा वेरी गुड। देखो पीएच बढ़ने पर जो एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है भाई, घटती है न कि बढ़ती है, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, ये याद रखेंगे, डिक्रीज होती है, ओके ये याद रखेंगे, ऐसा नहीं है कि अनअफेक्टेड रहती है भाई। ठीक है, इसमें दिया है किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, ठीक है, और जल स्तर की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उर्वरक, वो सॉरी उपकरण, ठीक है, उर्वरक नहीं है उपकरण है, लाइसीमीटर, पीजोमीटर या ओडोमीटर। नेक्स्ट है एवेपोरीमीटर, बताइए भाई, तो इसका क्या होगा, पीजोमीटर। ठीक है, तो पीजोमीटर के द्वारा ही वाटर टेबल की गहराई मापी जाती है, लाइसीमीटर से वाटर लॉस, ओडोमीटर से डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है तो उसके ओडोमीटर, और एवेपोरीमीटर से एवेपोरेशन रेट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, पीजोमीटर।
ये देखो 2011 के क्वेश्चन में पूछा गया था ट्रिटिकेल किसका क्रॉस है, तो इसका क्या है, वीट एंड राई। किसने डेवलप किया था ये भी याद रखेंगे, रिम्पू। और इसका पॉइंट क्या बताया था कि ये फर्स्ट मैनमेड सीरियल है, ठीक है, पहली ऐसी फसल है, पहली ऐसी खाद्यान्न फसल है जो मानव ने बनाई है, ठीक है, गेहूं गुड़े राई। ओके नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एंड देयर रिलेशन रिलेशन प्रोपोर्शन आर रेस्पेक्टिवली नोन एज, यानी कि कणों मृदा कणों का जो अरेंज अरेंजमेंट होता है, ठीक है, वो या उनका अनुपात क्या कहलाता है, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स उसको क्या बोलते हैं, और जब यही पार्टिकल्स परसेंटेज में पाए जाते हैं, प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है टेक्सचर स्ट्रक्चर, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर, नेक्स्ट बल्क डेंसिटी इन पोर स्पेस, स्ट्रक्चर एंड पोर स्पेस, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा भाई, 41, सॉरी 51। बी संरचना एवं गठन, नेहा, वेरी गुड, आदित्य, ठीक है। तो जिन लोगों का ए ए ऑप्शन है, नहीं, जिन लोगों का बी ऑप्शन है, सॉरी, जिन लोगों ने बी ऑप्शन बताया है, स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर, ठीक है, उन सभी का सही है, जिन लोगों ने ए बताया है उनका गलत है भाई, ठीक है। वो कैसे, समझ लीजिए, पहले पहला ऑप्शन दिया है अरेंजमेंट ऑफ सॉयल पार्टिकल्स, यानी कि जब पार्टिकल्स एक क्रम में अरेंज हो, ठीक है, हिंदी थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है, जब पार्टिकल्स जो हैं वो एक वे में अरेंज हो उसको क्या बोलते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब यही पार्टिकल्स पार्टिकल्स देखो प्राइमरी पार्टिकल्स, यहाँ पे क्या कहेंगे, प्राइमरी पार्टिकल्स यानी कि सैंड, सिल्ट और क्ले, जब ये क्रम में लगे हों तो उनको क्या कहते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर बोला जाता है। जब यही एक परसेंटेज में पाए जाते हैं उसको कहते हैं सॉइल टेक्सचर। जैसे देखो, जो अगर हम कॉमन बात करें तो सॉइल स्ट्रक्चर को आसानी से चेंज किया जा सकता है। जैसे मान लो सैंड पार्टिकल्स जो है सॉइल की सरफेस के ऊपर ज़्यादा पाया जाता है, 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे कम पाया जाता है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं भाई, उसको क्या करेंगे, हैरो के द्वारा पलट देंगे पूरी सॉइल को, ऊपर की नीचे कर देंगे, तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक, स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। और टेक्सचर का मतलब होता है कि उस सॉइल में कितना परसेंट सैंड है, कितना परसेंट सिल्ट है और कितना परसेंट क्ले है। जैसे एग्जाम्पल में लोम, लोम के केस में क्या होता है, 35 से 40% लगभग सैंड पाया जाता है, ठीक है, और 35 से 40% क्या पाया जाता है, सिल्ट पाया जाता है, ओके, और जो बचा हुआ है 0 से 30% वो क्या पाया जाता है, क्ले। तो ये सॉइल का क्या है, टेक्सचर है, यानी कि इस परसेंटेज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, या आप कह सकते हो ये सॉइल की क्या होती है, परमानेंट प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता भाई। पूरे फील्ड में आप कितना सैंड डालोगे जो चेंज कर सकोगे, मान लो एक हेक्टेयर लैंड है हमारे पास, तो ये परसेंटेज चेंज कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हो लेकिन प्रोपोर्शन को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बेस पे आंसर क्या होगा, सेकंड वाला। तो जिन जिन लोगों ने ए बताया उनका सभी का गलत है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग सॉइल्स विच हैव मोर रिसेंटली फॉर्म्ड, यानी कि निम्नलिखित मृदाओं में से किसका गठन सबसे पहले हुआ है, हाल ही में हुआ है, ठीक है। तो हाल ही में पहले नहीं, हाल ही में हुआ है, ठीक है, एंटी सॉल्स, नेक्स्ट है एल्फी सॉल्स, वर्टी सॉल्स या हिस्टो सॉल्स, बताइए भाई। ए बी ऑप्शन कहां भाई चेंज है, ए ऑप्शन भाई टेक्सचर रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः पूछा है, क्रमशः पूछा है, देखो पहले अरेंजमेंट दिया है, ठीक, तो अरेंजमेंट को तो टेक्सचर बोलेंगे नहीं, ध्यान से पढ़ो भाई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बताइए भाई, इसका क्या होगा, ऑर्डर बताना है, बावन का बी रचना गौतम गैमर, भाई सेकंड बताओ पहले,
हिमांशु कुमार, एंटी सॉल्स, वेरी गुड। ठीक है, तो जी देखो रिसेंटली फॉर्मेड सॉइल किसमें आती है, एंटी सॉल्स में, या ये ऑर्डर है, ये गण का नाम है। अगर इसके अंतर्गत आपसे सॉइल पूछी जाए तो वो कौन सी आएगी, न्यू एल्यूवियल सॉइल, नई जलोढ़ मृदा, न्यू एल्यूवियल सॉइल। और अगर आपसे पूछा जाए ओल्ड एल्यूवियल सॉइल क्या होती है, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, तो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल किसमें आती है, इनसेप्टी सॉल्स में, इनसेप्टी सॉल्स। ओके, देखो नई एल्यूवियल सॉइल को क्या बोला जाता है, खादर सॉइल, खादर सॉइल। ओके, और ओल्ड एल्यूवियल सॉइल को क्या बोला जाता है, वांगर सॉइल, वांगर सॉइल। तो दोनों को याद रखना है, नई एल्यूवियल सॉइल क्या है, रिसेंटली फॉर्मेड सॉइल है, इसमें जो होराइजन होते हैं वो क्लियरली नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, क्योंकि नई बनी है सॉइल। जो पुरानी मृदा होती है उसमें पांचों मास्टर होराइजन पाए जाते हैं, ठीक। वर्टी सॉइल्स में आ जाती है आपकी ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल जिसे काली मृदा कहते हैं, ठीक है। एल्फी सॉइल्स में आती है आपकी रेड सॉइल, लाल मृदा। और हिस्टो सॉइल्स में आ जाती है आपकी ऑर्गेनिक सॉइल, जैसे पीट और मक। ऑर्गेनिक सॉइल का मतलब है पीट एंड मक, पीट एंड मक क्या है, ऑर्गेनिक सॉइल है जो कि अम्लीय होती है। तो जितनी चीज बताई हैं उसको याद रखना, नई एल्यूवियल सॉइल को खादर सॉइल कहते हैं और ओल्ड एल्यूवियल सॉइल को बांगर सॉइल कहते हैं। न्यू एल्यूवियल सॉइल आती है एंटी सॉल्स में, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल आती है इनसेप्टी सॉल्स में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, राइस ब्लास्ट, धान का जो ब्लास्ट रोग है, झोंका जिसे कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, झोंका, वो किसके कारण होता है, वायरस, बैक्टीरिया या फंगस या जिंक की कमी से, बताइए भाई। फंगस, सोनू यादव, वेरी गुड। उस फंगस का कमेंट करके नाम बताइए भाई, फंगस का नाम क्या है, ठीक है, फंगस के द्वारा तो होता है, फंगस का नाम भी बताइए। नेक्स्ट है गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा विटामिन कौन सी पाई जाती है, ए बी सी बताइए भाई। इसका आंसर क्या होगा, पहला, ठीक है, फर्स्ट, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। ओके, चलिए अगला देखते हैं, लॉन्ग टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया एम्प्लीज को इज एग्जिस्टेंस ऑफ, भारत में दीर्घकालीन मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य किससे है भाई, किस संबंध से है, तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, कृषि एवं उद्योग, इसी को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ अ प्लांट, ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, कई बार आया है, इसलिए मैं कहते हैं रूपांतरित तना क्या है, रूपांतरित तना बताइए भाई, ठीक है, रूपांतरित तना, ठीक। देखो ये क्वेश्चन इजी है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, इसमें कौन सा मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। चलिए रानीखेत डिजीज किस किसमें पाया जाता है, रोग जो है रानीखेत डिजीज कॉमनली फाउंड इन, ठीक, काउ, हॉर्स या पोल्ट्री, तो कई बार डिस्कस किया है, तो किसमें लगता है ये, पोल्ट्री में, किसके द्वारा, वायरस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, एथेन का, एथिलीन का, एसिटिलीन का या मिथाइलीन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एथिलीन, या आप कह सकते हो कैल्शियम कार्बाइड, CaC2, ठीक है,
इसको पकाने में, फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का, कैल्शियम कार्बाइड का, ठीक है। देखो एथिलीन दो दो फॉर्म में पाई जाती है, एथिलीन फॉर्म में पाई जाती है और इथेफोन फॉर्म में, इसको याद रखते हैं ठीक। एथिलीन जो फॉर्म होती है इसकी लिक्विड फॉर्म में होता है, ये द्रव द्रव रूप में होता है, और इथेफोन किस रूप में होता है? गैसस गैस रूप में होता है ठीक। तो पूछा ये जाता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है निम्नलिखित में बताइए, जो एथिलीन ठीक है, जो लिक्विड और गैस दोनों में पाया जाता है। तो ये एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो किस किस में पाया जाता है? लिक्विड और गैस दोनों में पाया जाता है। तो एथिलीन होता है लिक्विड फॉर्म में और एथेफोन होता है गैसियस में ठीक है। नेक्स्ट है ये भी देखो, क्रॉप रोटेशन का अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन विच इज गुड फॉर इंक्रीजिंग सॉइल न्यूट्रिएंट स्टेटस। निम्नलिखित में से फसल रोटेशन में मृदा की पोषक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा सर्वोत्तम है? सोरगम व्हीट, व्हीट एंड राइस, पर्लमिनेट एंड व्हीट एंड ग्राउंडनट एंड व्हीट, बताइए भाई। आंसर क्या होगा इसका? ग्राउंडनट एंड व्हीट। देखो इसके प्रिंसिपल होते हैं कुछ, क्रॉप रोटेशन के पहले साल हम क्या करते हैं, या तो लेग्यूम क्रॉप लेते हैं या तो सीरियल लेते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि मान लो पहले साल हमने पल्स ली थी, तो सेकेंड ईयर हम क्या करेंगे, पल्स न लेके क्या लेते हैं? सीरियल लेते हैं, खाद्यान्न फसल लेते हैं, या तो सीरियल पहले ले लेंगे फिर पल्स लेंगे ठीक है। ऐसे ही अपनाते हैं फसल चक्र ठीक है, जिससे क्या होता है सॉइल में न्यूट्रेंट स्टेटस बना रहता है, या सॉइल की फर्टिलिटी है कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं होती है ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, रेड कलर इन द पेटल्स ऑफ रोज फ्लावर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। गुलाब की जो पंखुड़ी होती है लाल, जो लाल रंग की पंखुड़ी होती है वो किसकी उपस्थिति के कारण होती है? क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटीन या एंथ्रोसाइनिन, बताइए भाई। एंथ्रोसाइनिन, तो इसका आंसर क्या होगा? एंथ्रोसाइनिन, सोनू यादव, वेरी गुड ठीक है। किसके कारण लाल रंग होता है? एंथोसाइनिन के कारण ठीक है। तो ये लगभग पेपर हो गया है आपका। अब भाई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, बंद कर दो। सर मेरी तैयारी कैसी है भाई? पेपर देख के देखना है ना। थैंक यू भाई, चलिए मिलते हैं अगले पेपर में ठीक है। थैंक्स टू ऑल।